इट इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर रीडर. सो आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि पीछे वो सारे आंसर्स, उसके जो सारे गैसेस थे वो गलत होते जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं. अब वो देखें बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो गई है अपना आंसर देते, अब मैं क्या करूँ. लेकिन फिर से उसको एकदम से याद आता है कि इज़ इट अ हैन, मतलब कि इसके अंदर तो हैन भी हो सकता है. उसने सारे तो तकरीबन अपने माइंड में जो भी नाम आए थे वो ले चुकी थी, लेकिन उसने कहा कि इसके अंदर हैन भी हो सकता है. इज़ इट अ हैन, बट नो इट इज़ नॉट. अब चार वो अब क्या करे, सारे उसने नाम ले लिए जो उसके माइंड में थे, लेकिन अब वो हमें राइट आंसर बताएंगे कि एक्चुअली में इसके अंदर क्या है. ओह इट्स अ जैक इन द बॉक्स. ओह इट्स अ जैक, ना कैट ना डॉग ना हैन ना फिश, इट्स अ जैक. ओके इट्स अ जैक इन द बॉक्स, इट्स अ जैक इन द बॉक्स. लेट्स रिव्यू हम रिव्यू लेते हैं जल्दी से. वट इज इन द बॉक्स, इज इट अ कैट, नो इट इज नॉट. इज इट अ डॉग, नो इट इज नॉट. इज इट अ फिश, नो इट इज नॉट. इज इट अ कॉट, नो इट इज नॉट. Is it a hen? No, it is not. Okay, it's a jack in the box. इसका आप अच्छे तरीके से इनकी बार बार रिवीजन करने उनको पढ़ने की कोशिश करें. ओके okay?